फ्रेश न्यूज की सारी खबरें आप तक। दिल्ली के खजूरी खास इलाके में होमवर्क नहीं करने पर हाथ पांव बांधकर 5 साल की बच्ची को धूप में छत पर छोड़ा। इस पर दिल्ली से यूडी की प्रवक्ता मां प्रभा किरण ने दी प्रतिक्रिया। दिल्ली में सजा के तौर पर हाथ पैर बांधकर बच्ची को धूप में छत पर छोड़ने का एक मामला सामने आया है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वीडियो में बच्ची रोते और खुद को छुड़वाने के लिए संघर्ष करती नजर आ रही है। इस पर हमने यूडीए की प्रवक्ता मां प्रभा किरण से हमने शुक्रवार की दोपहर हमने बात की, तो उनका क्या कहना था सुने आप। 5 साल के बच्चे को हाथ पैर बांधकर एक माँ ने धूप केवल इसलिए धूप में डाल दिया कि वो उस बच्ची ने होमवर्क नहीं किया था। इस तरह का अमानुषिक व्यवहार वो भी बच्चों के प्रति। 5 साल की बच्ची कितनी छोटी होती है, मासूम होती है, ये क्रूर व्यवहार है और इसको बहुत ही दुखद बात है। ये बहुत ही दुख की बात है। माँ से काउंसलिंग करनी चाहिए ऐसी माँ की, और काउंसलर को बुला करके उसकी मानसिक स्थिति का पता करना चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे इस तरह की क्रूर मानसिकता व्यक्ति को किसी भी हद तक ले जा सकती है। ये बहुत ही गंदा व्यवहार था और इसकी मैं भर्त्सना करती हूँ। और बच्चे जो हैं उनको, इतने छोटे बच्चों को, पहले तो 5 साल के ही बच्चे को स्कूल भेजना चाहिए। होमवर्क तो इतना छोटा बच्चा जानता भी नहीं है। ये इनकी माँ को फौरन डॉक्टरों की देखरेख में रखना चाहिए और उनका मानसिक स्तर का आंकलन करना चाहिए। जिन्होंने ये व्यवहार किया है बहुत गलत है, और इस तरह की क्रूर बातें बच्चों के साथ नहीं होनी चाहिए।